बुढ़ार में जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार राजौरे के मार्गदर्शन में अवैध शराब ठिकानों पर दबिश दी गई और कई गांव में अवैध शराब पर आबकारी बुढ़ार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बुढ़ार आबकारी विभाग ने मीडिया को बताया कि कई दिनों से मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि एक घर में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कुल 16 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 370 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 9,800 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार विगत दिनों व्रत बुढ़ार में संयुक्त दबिश की गई है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब को पकड़ा गया है, लाहन पकड़ा गया है और उस संबंध में लोगों के जो आरोपी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत, और सभी के विरुद्ध कार्रवाई पश्चात चालान कोर्ट में पेश करना अभी बाकी है। श्रीमती संपतिया मारावी और आबकारी उपनिरीक्षक श्रुति किरण पवार, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री प्रकाश मारावी और अन्य शामिल रहे। बाइट आबकारी उपनिरीक्षक। JSR टाइम्स के लिए शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।